नवी मुंबई में वाशी चैंपियन लीग के लिए आज 180 खिलाड़ियों की नीलामी की गई, जिनमें से 12 टीमों के लिए बोली लगाकर प्लेयर्स का चयन किया गया। एनसीपी नेता विक्रम उर्फ राजू शिंदे के मार्गदर्शन में वाशी चैंपियन लीग की जानकारी देते हुए कहा कि खेलों को प्रोत्साहन और नए खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन का मौका मिले, इसके लिए 3 वर्ष से लगातार वाशी चैंपियन लीग का आयोजन हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई में 19 और 20 मार्च को होने वाले वाशी चैंपियन लीग मुकाबले के लिए आज 12 टीमों का गठन किया गया। वाशी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 180 खिलाड़ियों में से बोली लगाकर खिलाड़ियों का चयन किया गया। वाशी चैंपियन लीग के प्रमुख मार्गदर्शक और एनसीपी नेता विक्रम उर्फ राजू शिंदे ने बताया कि नवी मुंबई में खेलों को प्रोत्साहन देने और नए खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन का मौका देने के लिए लगातार 3 सालों से वाशी चैंपियन लीग का आयोजन करते रहे हैं। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज सीजन 3 वाशी चैंपियंस लीग माध्यमातून या ठिकाणी क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि त्याचा पहिला टप्पा आज या ठिकाणी साधारण 180 प्लेयर्सचं ऑक्शन प्रगती मित्रमंडळाच्या माध्यमातून वाशी चॅम्पियन्स लीग सीजन 3 तो ऑक्शन आता इथे चालू आहे। एक प्लॅटफॉर्म नवी मुंबईतील वाशीमध्ये विभागामध्ये आपल्या स्थानिक मुलांना मिळावा हा उद्देश ठेवून आम्ही अशा प्रकारचे स्पर्धेचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। IPL धर्तीवरती या ठिकाणी प्रत्येक प्लेयरचं ऑक्शन होत आहे। 12 टीमचे 12 मालक आहेत, आयकॉन प्लेयर आहे, कॅप्टन आहे आणि त्याच्यानंतर ऑलराऊंडर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅट्समॅन त्याच्यावरती बोली लावून या ठिकाणी आपल्या टीम बनवण्याचा प्रयत्न प्रत्येक टीम मालक, कॅप्टन आणि आयकॉन प्लेयर हे करत आहेत। त्याचीच बोली या ठिकाणी ज्याला आपण ऑक्शन म्हणतो, प्लेयर ऑक्शन या ठिकाणी चालू आहे। संपूर्ण मुलांसाठी एक चांगला प्लॅटफॉर्म ठेवण्याचं काम आणि ते आपण कुठल्याही खेळाच्या माध्यमातून करू शकतो आणि आपण या ठिकाणी क्रिकेट खेळाचं आयोजन करून एक चांगला प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचं काम प्रगती मित्रमंडळाच्या माध्यमातून वाशीतील सगळ्या लोकांकडून येणाऱ्या 19-20-21 तारखेला एक चांगला खेळ आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळेल। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।